तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया है कि भारतीय रेलवे वर्ल्ड के रिकॉर्डों को भी तोड़ने में लगी हुई है, तो अब यहाँ पर हमारे इंडियन रेलवे ने एक और माइलस्टोन को अचीव किया है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा नॉर्थ रेलवे जोन है, तो इन्हीं के द्वारा एक माइलस्टोन को अचीव किया है हमारी इंडियन रेलवे ने, जिसमें एक सफलता के बाद जम्मू कश्मीर के रामबन में बनिहाल के पास बनकोट इस एरिया में एक और टनल कनेक्ट हुई है। वैसे पीटीआई रिपोर्ट में ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग उनका कहना है कि इस सफलता के साथ रिकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने बनिहाल और खारी सेक्टर के बीच रेलवे के जो टनल्स का कंस्ट्रक्शन है उसका ज्यादातर काम पूरा हो चुका है। साथ ही में यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कटरा और बनिहाल के बीच 110 किलोमीटर एक लंबी रेलवे लाइन में कश्मीर रेलवे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और आने वाले 2 सालों में ये जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो कश्मीर में जो भारतीय रेलवे के प्रोजेक्ट हैं वो काफी ज्यादा फास्ट ट्रैक में किए जा रहे हैं और यहाँ पर जो 110 किलोमीटर की जो लंबी रेलवे लाइन को बिछाया जा रहा है, तो यहाँ पर हमारी भारतीय रेलवे का जो मेन उद्देश्य है कश्मीर और देश के बाकी के हिस्सों के बीच अल्टरनेटिव सरफेस लिंक प्रोवाइड करना। साथ ही में यहाँ पर बानकोट में 2 किलोमीटर लंबी टनल्स को डेवलप किया जा रहा है 2 भागों में, तो इस प्रोजेक्ट की जो लागत है वो 300 करोड़ रुपए की है। बैक कंस्ट्रक्शन कंपनी के MD इमरान बैक के मुताबिक भारतीय रेलवे पहली बार कश्मीर रेल प्रोजेक्ट में रेलवे टनल्स की खुदाई में लोड हेडर जैसी मशीनों को यूज कर रहा है। वैसे टनल्स की खुदाई में इस तरह की मशीनों को यूज करने से रेलवे टनल्स के अंदर जो विस्फोट करना पड़ता है, जो ब्लास्ट करना पड़ता है, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। साथ ही में इसका एक और फायदा होता है कि इसके जो आसपास के इलाके हैं तो उन्हें भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता। वैसे फ्रेंड्स, ये जो रेलवे लाइन को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है तो इसका लगभग 96% हिस्सा है वो अंडरग्राउंड टनल से होकर ही गुजरता है। सो फ्रेंड्स, 300 करोड़ रुपए की लागत से 2 किलोमीटर लंबे टनल्स वाले प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है। तो इससे रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल की लिंक चेकआउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग और अमेजिंग न्यूज़ के साथ। टिल देन बाय बाय।